अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो टिप है वो ये है कि अक्सर रात का खाना या एक दिन पहले के चावल होते हैं तो उनको हम दोबारा से गर्म जब करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए इलेक्ट्रिक ओवन अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इसको हम चावलों को दोबारा से फ्रेश करने के लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि इनको किस तरह से दोबारा मैं फ्रेश करूंगी। ये रात के चावल हैं और तवा जो है मैंने तेज़ आंच पर मैंने इसको अच्छी तरह से गरम कर लिया है और थोड़ा सा ऑयल लूँगी, तवे पे यूँ लगाऊँगी, बिल्कुल हाफ टी स्पून है, और टिश्यू से जो है इस ऑयल को अच्छी तरह से पूरे तवे पे लगा दूँगी। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। और कोई भी स्टील का बर्तन, इनको हिलाना नहीं है ना गर्म करने की ज़रूरत है, बस ये है कि अब इनको हम दम पे रखेंगे। और कोई भी स्टील का बर्तन हो, प्लेट है आपके पास, उसे हमने इनको ढक देना है। और आंच जो है, पहले मैंने तवे को गर्म करने के लिए तेज़ रखी थी, वो बिल्कुल हल्की कर देनी है, हल्की आंच पे रख देंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं, प्लेट को मैंने इस तरह से रखा हुआ दम पे चावलों को मैं उठाऊंगी। चावल अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं, प्लेट में आपको जैसे नज़र आ रहा है स्टीम की वजह से प्लेट में पानी, प्लेट पे पानी आ चुका है। तो इसी स्टीम से जो जो चावल हैं ये अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं और ये नीचे चिपके भी नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, इस वजह से ये चिपके भी नहीं है। इसको प्लेट, इनको प्लेट में निकाल लेंगे हम। और चावलों की शक्ल जो है वैसी की वैसी ही है, इनके बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा,